गुड इवनिंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हम हिंदी में पढ़ रहे थे चैप्टर 13 पतंग। इसकी पोयम पढ़कर आपको समझा दी गई है, इसके कठिन शब्द भी आपको समझा दिए गए हैं, आपने लिख लिया है ऑलरेडी, और इसके शब्दार्थ जो है अर्थ जाने हैं वो भी आपने लिख लिए हैं, लर्न कर लिए हैं। अब बच्चों हम लोग इसका करेंगे लिखित यानी रिटेन, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। पेज नंबर 83 में दिया हुआ है चैप्टर 13 पतंग, एक पोयम है, अच्छी कविता है, उसको अच्छे से आपको समझाया गया है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक में पेज नंबर 83 लिखित। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीन क्वेश्चन दिए गए बच्चों, क ख का उनके आंसर लिखने हैं। ओरल का जो बच्चों हैं वो लाइव क्लास में हम पूछेंगे आपसे, ओरल उतना हार्ड नहीं है, वो आपके अकॉर्डिंग है। क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है तो आप आंसर दोगे यस या नो, बहुत से बच्चों ने नहीं उड़ाई होगी तो वो नो बोलेंगे, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ओरल के लिए रखा है वो लाइव क्लास में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो रिटन वर्क है उसमें से पहला क्वेश्चन है, पतंग किस प्रकार के मौसम में उड़ाई जाती है। आपको पता है पतंग कैसे मौसम में, मैंने जब पोयम पढ़ाया था तो समझा दिया था, पतंग किस प्रकार के मौसम में उड़ाई जाती है, बरसात को छोड़कर, यानी जो बारिश होती है वर्षा में नहीं उड़ाते हैं क्योंकि भीग जाएगी पतंग, हवा रुक जाती है बारिश में, बरसात को छोड़कर पतंग सभी प्रकार के मौसम में उड़ाई जाती है, यानी वर्षा ऋतु में बारिश में पतंग नहीं उड़ाते हैं, उसके बाद सभी मौसम में सभी ऋतुओं में उड़ाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, खा नंबर है बच्चों, पतंग का आकार कैसा होता है, यानी वो किस प्रकार की होती है, कैसा डिजाइन होता है उसका पतंग का, तो आंसर होगा पतंग डायमंड आकार की होती है। डायमंड आकार की होती है, डायमंड देखिए अंगूठियों में लगे होते हैं डायमंड, ठीक है, तो आप आंसर लिखोगे पतंग डायमंड आकार की होती है, डायमंड के आकार की होती है, कर सकते पतंग डायमंड के, पतंग डायमंड के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर बच्चों, पतंग को फुलझड़ी क्यों कहा गया, इस कविता में इस पोयम में पतंग को की तुलना फुलझड़ी से की गई है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि पतंग को फुलझड़ी क्यों कहा गया है, तो उसका आंसर बच्चों क्या है, पतंग को फुलझड़ी इसीलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे फुलझड़ी की तरह पतंग से भी खुश हो जाते हैं, जैसे अभी दिवाली का समय है, ठीक है, तो आप फुलझड़ी पटाखे घर में आते तो आप लोग खुश हो जाते हो, तो वैसे ही जो बच्चों को इंटरेस्ट है पतंग का वो भी फुलझड़ी की तरह, जैसे फुलझड़ी को देखकर खुश होते हैं वैसे जब पतंग आती है घर में तो वो खुश हो जाते हैं, इसीलिए कहा गया है कि पतंग को फुलझड़ी इसीलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे जिस तरह से फुलझड़ी से खुश हो जाते हैं उसी तरह से पतंग से भी खुश हो जाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी हिंदी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख लेंगे। अगर कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसको लाइव क्लास में गूगल मीट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।